17 सितंबर 2024। वेल, ये तो मैंने सिर्फ आपको डेट बताई है आपकी IMET एग्जाम को लेकर, बट इस वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि हम इसमें डेडलाइन के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में भी मैं कुछ बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। Now, as I said, आपकी एग्जाम की डेट आ गई है, इट विल बी कंडक्टेड ऑन 17 सितंबर 2024। 17 सितंबर को आपकी एग्जाम होने वाली है, बट उस एग्जाम के लिए ये दो तीन चीजें पहले से करके रखें। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है, बट रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ उससे पहले आप ये समझिए कि सबसे पहली चीज़ आप पहले वो यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करिए जिनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप IMET के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपको वो 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के प्रेफरेंस पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहले जो आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली है, जो आपका प्रेफरेंस है, वो सबसे नंबर एक पर रखिएगा। ऐसे करके 5-6 यूनिवर्सिटीज़ पहले से शॉर्टलिस्ट करके रखें ताकि आप फटाफट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकें, फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है ये होता है universitaly.it की वेबसाइट पर, उसके लिए universitaly पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मोमेंट पर मत भागिएगा। यूनिवर्सिटैली पर भी रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट करके रखिए। नाउ, जैसे हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, एक्चुअल एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन है, जो ओपनिंग्स होने वाली है स्लॉट्स की, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन जुलाई और अगस्त। तो जुलाई आज 29 तो हो गया है, यू कैन एक्सपेक्ट कि ये अगस्त के आप किसी भी टाइम में ओपन हो सकते हैं। अब इसके लिए दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें आप, कि जैसे लेट अस से आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम लुकिंग फॉर कि जब मैं वो स्लॉट्स बुक करूँ तो मुझे इंडिया का ही स्लॉट मिले, तो इस बात का ध्यान रखें आपकी स्लॉट्स बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो अवेलेबिलिटी से निकल जाएंगे। सो आपको क्या करना है, रेगुलरली अपडेटेड रहना है। लेट अस से कि अभी से 1 घंटे बाद स्लॉट्स ओपन होते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी फर्स्ट ट्राई में बुकिंग करिए। रीज़न मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्लॉट्स आगे नहीं आएंगे, चांसेस आर कि आज स्लॉट ओपन हुए हैं, थोड़ी देर बाद शायद बंद हो जाए और फिर 2-3 दिन बाद वापस ओपन हो जाए, चांसेस आर। बट फॉर दैट कहीं ऐसा ना हो कि ये डिले होते होते इतना डिले हो जाए कि आपके लिए स्लॉट्स जब तक कम्प्लीटली फुल हो जाए, कम्प्लीटली मतलब कि रजिस्ट्रेशन ही बंद हो जाए उसके लिए। इसीलिए कोशिश करिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में स्लॉट ले लें, क्योंकि अगर आप चाह रहे कि आप इंडिया से हैं और आपको इंडिया में ही वो स्लॉट मिले, इंडिया में ही अवेलेबिलिटी हो, तो उसके लिए तो आपको बिल्कुल उसी टाइम जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं आपको लास्ट ईयर का हमारा एक्सपीरियंस बताऊं, तो रात को 11:30-12 बजे के आसपास स्लॉट्स ओपन हुए थे फॉर IMET एग्ज़ाम। इसीलिए हम बोल रहे हैं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, दिस इज़ नॉट टू स्कैर यू कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं, बट दिस इज़ अबाउट प्रिपरेशन। वो प्रिपरेशन करके रखेंगे तो आपको इंडिया में स्लॉट मिल जाएगा, चांसेस आर कि आप जल्दी से जल्दी बुकिंग कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो कि IMET के स्लॉट से आपके हाथ से निकल जाए। इसीलिए बोल रहे हैं अब बिफोर हैंड प्रिपरेशन करिए, अपडेट्स के लिए इस वेबसाइट को चेक करिए, ये बिल्कुल मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूंगा, इस वेबसाइट को चेक करते रहिए, अपडेटेड रहिए, यूनिवर्सिटैली पर रजिस्ट्रेशन करिए। दीज ऑल थिंग्स विल मेक योर प्रोसेस स्ट्रीमलाइन, वो प्रोसेस आपकी थोड़ी इजी हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन आप ऑन टाइम कर पाएंगे। नाउ, एज आई सेड कि अभी तक कुछ नहीं पता है कि ये स्लॉट्स कब ओपन होंगे, बट येस, फॉर अपडेट्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा, क्योंकि जैसे ही अपडेट्स होंगे, जैसे ही पता चलेगा कि स्लॉट्स ओपन हो गए, हमारी रील आपको मिल जाएगी, तो उसके लिए फॉलो करिए, इस अकाउंट को सब्सक्राइब करिए। एंड टिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।